Hi guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing amazing. And guys, I am back with yet another haul video. Jeans का haul video है title से, जैसे कि आप सबको already idea हो गया होगा. मैंने मीशो से बहुत पहले कुछ मैंने जीन्स मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था एंड शॉर्ट्स में काफ़ी बार मैंने वेयर किया है. सो आप सबने बहुत बार मुझसे पूछा है कहाँ से है, लिंक दो दी मुझे इस टाइप का. सो मैंने सोचा कि अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है जीन्स का मेरा मीशो से. सो आई थॉट कि आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ. वैसे आज का वीडियो एकदम स्पॉन्सर्ड नहीं है, जो भी मैंने बाय किया खुद के पैसे से मैंने बाय किया है. पहन पहन के अभी तो पुराना भी हो गया है गाइस. सो या एकदम मैं बहुत बार ट्राइड एंड टेस्टेड है, पहनने के बाद ही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. सो क्वालिटी सब कुछ मैं रिव्यू आप सबके साथ शेयर करूँगी एंड प्रोडक्ट्स का सारा डिटेल्स आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप सब वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. एंड आज का वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट क्विकली जंप इनटू द वीडियो. एंड गाइस, जो मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ, वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड है. आप सबने बहुत बहुत बार मुझसे ये जीन्स के बारे में मुझे पूछा है, विच इज दिस वन. हाई वेस्टेड कार्गो जीन्स है, ब्लैक कलर में, एंड दिस लुक्स सुपर कूल गाइस. आप सब पूछते हो, पूछे भी क्यों ना, दिस इज वेरी अमेजिंग. देखने में बहुत ज्यादा अच्छा है एंड इसका क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड. इस टाइप का सेम आप सबको अर्बेनिक में भी मिल जाएंगे, बट यू नो बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है मीशो में. क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, अर्बेनिक का ज्यादा अच्छा हो सकता है क्योंकि यू नो क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंस आता है. बट दिस इज सो अमेजिंग क्वालिटी, आप सब ये भी ट्राई कर सकते हो. और फ्रंट से ये दो पॉकेट है एंड पीछे से भी आप सबको पॉकेट मिलेंगे. साइड्स में भी अगेन यहाँ पे पॉकेट है. व्हाइट थ्रेड में जो स्टिचिंग है इसके वजह से बहुत ज़्यादा सुपर कूल लगता है ये. और किसी भी कलर के यू नो टॉप्स के साथ बहुत ज़्यादा ये जचता है मेरे ऊपर. मुझे ये वाला जीन्स बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा है. साइज़ वैसे 30 का ही मैंने ऑर्डर किया है. मैंने एक साइज़ मैंने अब ऑर्डर किया, मुझे 28 वाला साइज़ फिट आता है. वेस्ट साइज़ मेरा 28 है, बट मैंने एक साइज अप मैंने ऑर्डर किया था जानबूझ के, क्योंकि मीशो में थोड़ा सा लोचा होता है साइजेस को लेकर. एंड हमेशा जब मैं अप साइज वाला ऑर्डर करती हूँ तभी मुझे अच्छे से फिटिंग आता है, बट दिस वन इज थोड़ा सा मुझे ये लूज फिट आया है. वैसे ये मुझे फिटिंग आता है बट फिर भी यू नो टाइट फिट वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. खैर, आप सब अपना जो साइज है एक्चुअल साइज वही ऑर्डर करना. एंड दिस इज मैं जितना भी तारीफ करूँ बहुत ही कम है यार. इसका क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कहीं से कुछ भी स्टिचिंग का भी इश्यूज नहीं है. सो अंदर कुछ इस टाइप का है फैब्रिक, नॉट डेनिम का फैब्रिक इतना अच्छा है, बिल्कुल भी पतला काइंड ऑफ फैब्रिक नहीं है ये. मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगी. 683 के प्राइस पॉइंट में ये इतना ज़्यादा ये अमेजिंग है. एंड गाइस, नेक्स्ट वाला जो जीन्स है अगेन वन ऑफ माई फेवरेट है, विच इज़ दिस वन. और इट कॉस्ट मी 694. इसको मैंने इतना बार मैंने ऑलरेडी वेयर कर लिया है, घिस गया है ये पहन पहन कर. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइट कलर में. ये डेनिम एक तो मुझे इतना ज़्यादा ये अच्छा लगता है वाइट, किसी भी वाइट शर्ट्स के साथ यू नो टी शर्ट्स के साथ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लाइट वाला इस टाइप का डेनिम्स. एंड दिस लुक्स वेरी कूल एक्चुअली. सो आप सबको यहाँ पे यू नो रिप्ड भी मिलेंगे बोथ साइड, और पीछे से कुछ इस टाइप का है. सो इसका भी क्वालिटी जो है इतना ज़्यादा ये अच्छा है और मुझे ये अच्छे से फिट आ गया. सो मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी एक साइज अब ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि मैंने इसको 30 साइज में ऑर्डर किया है एंड मुझे ये बहुत अच्छे से ये फिट आ गया है. सो आप सब एक साइज अब जाना तभी आप सबको फिटिंग आएगी. वाइट लेग जीन्स नीचे से एकदम फ्लैट है और ये मुझे थोड़ा सा लंबा भी हुआ है नो लेंथ वाइज भी, क्योंकि मेरा हाइट 5'4" है और ये मुझे लंबा आया है. सो जो लड़कियाँ मेरे हाइट का है उसके लिए ये नो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएंगे, बहुत नहीं थोड़ा सा लंबा होंगे. कहीं से भी कुछ भी स्टिचिंग का भी इशूज़ नहीं है. मैंने इसको बहुत बार मैंने वेयर कर लिया है, जान ही सकते हो उसका क्वालिटी. इट्स अमेजिंग, मीशो में इस टाइप का जीन्स मिलना भी ओ माई गॉड मैजिक का काम है. मैं आप सबको ये अगेन हाईली रिकमेंड करूंगी. इट्स अ वेरी नाइस वन, आप सब जा सकते हो. एंड गाइस, नेक्स्ट वाला मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दिस ब्राउन हाई वेस्टेड जीन्स. इट कॉस्ट मी 675 और मैंने साइज 30 में मैंने ऑर्डर किया है. फिटिंग वाइज ठीक है बट ये मुझे थोड़ा सा ये मुझे लूज आया है. सो आई फील के एक साइज डाउन जाने से मुझे अच्छे से यू नो फिट आता,
बट कोई नहीं, मेरा रिटर्न डेट चेंज पार हो गया था, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करवा पाई. बाद में मैंने पार्सल खोल के देखा, सो मैंने इसको अभी तक कहीं पे भी वेयर नहीं किया है. दिस इज लाइक एज इट इज. और जब मैंने ऑनलाइन पिक, मैंने जब देखा था ऑनलाइन इमेज इसका, मुझे थोड़ा सा डीप काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट मैंने नोटिस किया. ये वाला मुझे थोड़ा सा फेडेड काइंड ऑफ कलर में मुझे ये रिसीव हुआ है, बट ये भी अच्छा है. और अंदर में जो स्टिचिंग वगैरह है बहुत अच्छे से है, सो कहीं भी कुछ भी डिफेक्ट नहीं है. जस्ट कलर का थोड़ा सा मुझे ये डिफरेंस लगा, बाकी तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया है. आप सबको आगे से ये पॉकेट मिलेंगे और पीछे से भी ये दो पॉकेट है एज यूजुअल, जैसे कि होता है. इट्स अ वेरी नाइस वन. और या आप सब डेफिनेटली ये ट्राई कर सकते हो. सो नेक्स्ट अब मैंने ऑर्डर किया है दिस ब्लैक कलर में ट्राउजर एंड इट कॉस्ट मी 395. सो साइज मैंने 30 में ऑर्डर किया है गाइस, एंड ये मुझे बहुत अच्छे से ये फिटिंग आया है. एक साइज मैंने अब ऑर्डर किया है तभी जाके मुझे ये अच्छे से फिटिंग आया. सो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी एक साइज अब ऑर्डर करने के लिए. और क्वालिटी ना मुझे उतना कुछ खास भी नहीं लगा है. ओके, कोई काइंड ऑफ मटीरियल है इसका. और इसको छोड़ के एक और साइज कलर में भी आप सबको मिल जाएंगे व्हाइट में, जो कि मुझे लगता है कि वो व्हाइट वाला थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेंगे, बट दिस वन इज गुड. और इसमें हल्का फुल्का सा स्ट्रेच भी है. और यहाँ पे आप सबको बटन मिल जाएंगे जिप के साथ, जिप एंड बटन है. पॉकेट इसमें पॉकेट नहीं है गाइस. ओ या है, पॉकेट है. सो या साइड में दो पॉकेट आप सबको मिलेंगे. एंड नीचे आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी वेरी फ्लैट, बट हाँ भाई ठीक है. इसमें जो वेस्ट लाइन है इसमें हल्का सा स्ट्रेच है, तो आप सब खींच सकते हो. और ये उतना ज़्यादा ये हाई वेस्टेड भी नहीं है, लो राइज है. जो स्टिचिंग वगैरह है एकदम से परफेक्ट है. सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ही सही है, आप सब ट्राई कर सकते हो ये. बट यही सेम वाला क्वालिटी का आप सबको ज़्यादा प्राइस में मिले देन मैं आप सबको रिकमेंड नहीं करूँगी प्राइस के हिसाब से, इसलिए आप सब ट्राई कर सकते हो. अदरवाइज उतना कुछ खास भी नहीं लगा मुझे. एंड गाइस नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है दिस ट्राउजर एंड इट कॉस्ट मी 383. साइज मैंने 30 में ऑर्डर किया है. आप सब एक साइज अप जा सकते हो उस पर. एक साइज अप जाने से ही आप सबको अच्छे से फिटिंग आएंगे. सो इसमें आप सबको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे. और इसका जो मटेरियल है विस्कस रियन, बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग सॉफ्ट फैब्रिक है. आप सब फॉर्मल पहनने के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेंगे. कैजुअली भी आप सब पहन सकते हो. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नज़दीक से इसका मटेरियल. और अंदर से कहीं से भी स्टिचिंग का भी कुछ इश्यूज नहीं है. कलर तो आप सबको मिल ही जाएंगे. मुझे लगा था ये मुझे थोड़ा सा कुछ अलग कलर में रिसीव होंगे, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड. आप सब डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अंडर 400 में. और क्या चाहिए, इतना अमेजिंग वन. इसमें कुछ भी पॉकेट नहीं है. एंड गाइस लास्ट विद नॉट द लीस्ट एंड सबसे ज़्यादा वाला अफोर्डेबल प्रोडक्ट है इस पूरे हॉल में, जो कि मैंने ये ऑर्डर किया है कॉटन ट्राउजर. और गाइस ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है. इट कॉस्ट मी 266. बहुत ही अफोर्डेबल है, बट इट्स विंटर ट्राउजर क्योंकि अंदर वुलन है एकदम से है. मुझे लगा ये एकदम पतला काइंड ऑफ कॉटन मटेरियल में आएंगे. विंटर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा है, बट समर्स के लिए एकदम फ्लॉप है. सो मैं ये रखने वाली हूँ क्योंकि अभी रिटर्न का टाइम निकल गया. ये मैंने बहुत पहले ही मैंने ऑर्डर करके मैंने रख दिया था. मैंने कभी भी वेयर भी नहीं किया है. जो भी मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये. उतना ज़्यादा ये मटीरियल इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, कॉटन का है, बट फिर भी आप सब ट्राई कर सकते हो क्योंकि जस्ट ये 266 का है. बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस का है. और पॉकेट भी मिलेंगे आप सबको साइड में से, एकदम फ्लैट है नीचे से, एकदम भी नहीं, थोड़ा सा हल्का सा नो. सो या गाइस ये था मेरा आज का हॉल वीडियो. आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग. अगर वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. टिल दैट बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल.